ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 506 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि मोस्ट फ्रेंच वर्ड्स इंक्लूडेड इन इंग्लिश वोकैबुलरी ड्यूरिंग, ज्यादा फ्रेंच वर्ड्स जो है वो इंक्लूड हुए इंग्लिश वोकैबुलरी के अंदर कब हुए, किस दौरान हुए, वो हुए मिडिल इंग्लिश के दौरान। उसके बाद ये कि द मोस्ट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स आर इन, ज़्यादातर जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है इनकी इंग्लिश स्पीकिंग पीपल जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री के अंदर हैं, वो हैं USA के अंदर। उसके बाद ये कि ऑस्ट्रेलिया कॉलोनलाइज बाय ब्रिटिश इन, ऑस्ट्रेलिया को जो है वो कॉलोनलाइज किया था ब्रिटिशर्स ने, कब किया था, 1788 में। उसके बाद ये कि न्यूजीलैंड कॉलोनलाइज बाय ब्रिटिश, न्यूजीलैंड को कब कॉलोनलाइज किया था ब्रिटिश ने, 1840 के अंदर। उसके बाद ये कि विच कंट्री वाज मेड अ पैनल कॉलोनी, कौन से कंट्री को बनाया गया था एक पैनल कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये कि ड्यूरिंग स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन कैरेबियन, कैरेबियन के अंदर जब इंग्लिश जो है वो स्प्रेड हुई, द टोटल स्लेव स्टेजेस आर, वो क्या है टोटल स्लेव स्टेजेस, वो है 3। उसके बाद ये कि साउथ अफ्रीका कॉलोनलाइज बाय डच इन, साउथ अफ्रीका को जो है वो कॉलोनलाइज किया डच ने, यानी कि जो नैदरलैंड के जो गवर्नमेंट है उसने 1652 to 1795। उसके बाद ये कि साउथ अफ्रीका कॉलोनलाइज बाय ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनलाइज किया साउथ अफ्रीका को, वो किया 1795 to 1948। उसके बाद ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेशन ईयर, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फॉर्मेशन का ईयर है वो है 1600। उसके बाद ये कि इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट इन ईयर, इंडिया ने जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, इनकी आज़ादी जो है वो हासिल की कौन से ईयर में, 1947 में। उसके बाद ये कि 1947 पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एज इज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई पाकिस्तान की, वो की गई किसको, इंग्लिश को। उसके बाद ये कि व्हेन टू पीपल मीट एंड ट्राई टू कम्युनिकेट ईच अदर, जब दो लोग मिलते हैं और वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से, बट दे बोथ हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्ट्रगल टू कम्युनिकेट, लेकिन उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं और वो स्ट्रगल करते हैं कम्युनिकेट करने में, एंड दे यूज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, और वो मिक्सचर यूज़ करना शुरू कर देते हैं डिफरेंट लैंग्वेज का ताकि वो कम्युनिकेट करें, वो कहलाता है क्या, पिटगिन। उसके बाद ये कि व्हेन द पिटगिन बिगिन द मदर टंग ऑफ चिल्ड्रन इट इज़ कॉल्ड, जब पिटगिन जो है वो बिगिन द मदर टंग होती है वो किसकी, चिल्ड्रन की, वो कहलाती है क्या, सीरियल। उसके बाद ये कि पिटगिन हैव वर्ड्स अबाउट, इसके अंदर वर्ड्स होते हैं पिटगिन के, तकरीबन कितने वर्ड्स होते हैं, 700 to 2000। उसके बाद ये कि विच लैंग्वेज हैज़ नो नेटिव स्पीकर, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसका कोई नेटिव स्पीकर ही नहीं है, वो है पिटगिन। उसके बाद ये कि नॉटिकल जार्गन थ्योरी डेवलप बाय अमेरिकन इन, नॉटिकल जार्गन थ्योरी जो है वो डेवलप की थी अमेरिकन ने कब, 1938 में। उसके बाद ये कि 1876 में चार्ल्स लेलैंड ने प्रपोज की थ्योरी, कौन सी, बेबी डॉग थ्योरी। उसके बाद ये कि पैसिफिक पिटगिन्स हैव डैश वॉल साउंड इन टोटल, पैसिफिक पिटगिन्स की जो है वो कितनी वॉल साउंड है टोटल में, वो है 5। उसके बाद ये कि कैरेबियन पिटगिन्स हैव डैश वॉल साउंड, कैरेबियन पिटगिन्स की कितनी वॉल साउंड है, वो है 12। उसके बाद ये कि ब्रिटिश इंग्लिश हैव डैश वॉल साउंड, इसके जवाब है 20। उसके बाद ये कि हाउ मेनी प्रॉपर प्रोपोजिशन इन पिटगिन मॉर्फोलॉजी, कितने प्रॉपर प्रोपोजिशन है पिटगिन मॉर्फोलॉजी में, वो है 2। उसके बाद ये कि हाउ मेनी स्टेजेस देयर इन डेवलपमेंट ऑफ पिटगिन टू सेरियल, कितने स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के अंदर पिटगिन टू सेरियल, वो है 4। उसके बाद ये कि स्पीच फेलोशिप आर डैश यूजर्स ऑफ इंग्लिश, स्पीच फेलोशिप जो है वो कौन से यूजर्स हैं इंग्लिश के, वो है रियल वर्ल्ड। उसके बाद ये कि पाकिस्तान इंग्लिश इज़ यूज इन पाकिस्तान एज एन डैश लैंग्वेज, इंग्लिश जो है पाकिस्तान में यूज़ होती है कौन सी लैंग्वेज के तौर पे, ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद ये कि इनर सर्कल ऑफ मेडियोनास सर्कल ऑफ IE रिप्रेजेंट, जो इनर सर्कल है मेडियोनास सर्कल का IE का, वो रिप्रेजेंट करता है क्या, प्रोफिशिएंट इन इंटरनेशनल लैंग्वेज। उसके बाद ये कि आउटर सर्कल ऑफ मेडियोनास सर्कल ऑफ IE रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करता है क्या, पीपल हु डोंट नो इंग्लिश, ऐसे लोग जो इंग्लिश नहीं जानते। उसके बाद ये कि मेडियोनास एक मॉडल ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ डैश आउटर ग्रुप, इसके जवाब है 5। उसके बाद ये कि हाउ मेनी सर्कल्स इन कैचरू सर्कल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश, इसके जवाब है 3। उसके बाद ये कि इंग्लिश स्प्रेड थ्रू ब्रिटेन, ब्रिटेन स्पीकर इन डैश डायस्पोरा इन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका, इसके जवाब है 1st डायस्पोरा। उसके बाद ये कि डायस्पोरा का मतलब क्या है, when people leave their homeland and settle in new country, जब लोग अपना homeland जो है उसको छोड़ के दूसरे कंट्री में सेटल हो जाते हैं एक नए कंट्री में, उसको हम डायस्पोरा कहते हैं। उसके बाद ये द इनर सर्किल कंट्रीज आर, इनर सर्किल कंट्रीज जो वो है UK USA कैनेडा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, दे हैव इंग्लिश लैंग्वेज एज एन,
इनकी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है किसके तौर पे, एज ए नेटिव लैंग्वेज। उसके बाद है ब्रैज, ए कैचरो, सेकंड सर्कल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज वो क्या है, आउटर। उसके बाद ये कि इन सेकंड डायस्पोरा, सेकंड डायस्पोरा के अंदर इंग्लिश रीच टू आउटर सर्किल कंट्रीज कॉलोनलाइज बाय। सेकंड डायस्पोरा में क्या हुआ, इंग्लिश जो है वो पहुंची आउटर सर्कल कंट्रीज जिनको कॉलोनलाइज किया था ब्रिटिश ने। उसके बाद ये कि नॉन प्रोवाइडिंग कंट्रीज आर कॉल्ड, नॉन प्रोवाइडिंग कंट्रीज जो वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इनर सर्कल कंट्रीज। उसके बाद ये कि नॉन डेवलपिंग कंट्रीज आर कॉल्ड, जो नॉन डेवलपिंग कंट्रीज है वो कहलाते हैं आउटर सर्कल्स कंट्रीज। उसके बाद ये कि नॉन डिपेंडेंट कंट्रीज आर कॉल्ड, नॉन डिपेंडेंट कंट्रीज कहलाते हैं क्या, एक्सपेंडिंग सर्कल कंट्रीज। उसके बाद है मोनोलिंगुअल इंग्लिश स्पीकर मीन, मोनोलिंगुअल इंग्लिश स्पीकर का क्या मतलब है, ऐसे लोग जो कि सिर्फ इंग्लिश ही जानते हैं। उसके बाद ये बाइलिंगुअल इंग्लिश स्पीकर मीन, और बाइलिंगुअल इंग्लिश स्पीकर का क्या मतलब है, ऐसे लोग दे दो वन और मोर लैंग्वेज विद इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के साथ साथ उनको कोई एक या एक से ज़्यादा जबानी भी आती हैं। उसके बाद एक डेविड ग्रेडोल मॉडिफाइड द नेम्स ऑफ इनर सर्कल स्पीकर टू डैश इन 1997। इसके बाद L1 स्पीकर। उसके बाद ये कि डेविड ग्रेडोल मॉडिफाइड द नेम ऑफ आउटर सर्कल स्पीकर टू डैश इन 1997 L2 स्पीकर। उसके बाद ये कि डेविड ग्रेडोल मॉडिफाइड द नेम ऑफ एक्सपेंडिंग सर्कल स्पीकर टू डैश इन 1997 L3 स्पीकर। उसके बाद ये कि येनु येसु कैटास प्रोपोज, येनु येसु कैटा ने प्रपोज किया कैचरूस मॉडिफाइड सर्किल जो है कौन से ईयर के अंदर, 2001 में। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू येनु येसु कैटास मॉडिफाइड सर्किल ही डिफाइंड कैचरूस इनर सर्किल एज, उसने डिफाइन किया इनर कैचरू के इनर सर्किल को किसके तौर पर, जेनेटिक ENL। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू येनु येसु कैटास मॉडिफाइड सर्किल ही डिफाइंड कैचरूस आउटर सर्किल एज फंक्शनल ENL। उसके बाद है फर्स्ट डायस्पोरा कंट्रीज आर, जो फर्स्ट डायस्पोरा के कंट्रीज हैं उनमें कौन कौन से कंट्रीज आए थे, UK, USA, कैनेडा एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। उसके बाद ये कि सेकंड डायस्पोरा कंट्रीज, और जो सेकंड डायस्पोरा कंट्रीज है वो कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें है पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, गैम्बिया, फिलिपाइन और सिंगापुर वगैरह। उसके बाद ये कि डैश इज अ प्रोसेस, इनमें से कौन सा जो है वो एक प्रोसेस है इन विच लैंग्वेज गेन्स नेटिव स्पीकर, लैंग्वेज जो है वो हासिल करती है नेटिव स्पीकर्स, एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज यूज बाई पेरेंट्स। और ये जो होता है ऐसा इस वजह से होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर एंड बिकम द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन, और जबान जो है वो बन जाती है फिर फर्स्ट लैंग्वेज। अब इंग्लिश की अगर मिसाल लें, अगर पेरेंट्स की वो सेकेंड लैंग्वेज है तो वो हो सकता है कि चिल्ड्रन की वो फर्स्ट लैंग्वेज बन जाए। सो इसको हम कहते हैं नेटिवाइजेशन। उसके बाद ये कि इन पाकिस्तानी कल्चर वर्ड डैश इज़ यूज, कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, व्हेन ब्राइड अप्लाई मेहंदी ऑन देयर हैंड फीट, जब ब्राइड जो है वो अप्लाई करे मेहंदी जो है अपने हैंड्स के ऊपर और फीट्स के ऊपर, सो वर्ड जो है हिना उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये कि बिलो मेंशन इज इंग्लिश नेटिव स्पीकिंग कंट्रीज एक्सेप्ट, सो जितने भी नाम आपको दिए गए तमाम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के वो है हांगकांग, हांगकांग के अलावा UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम जो है नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, जब मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश स्पीकर है। उसके बाद ये कि व्हेन अ लैंग्वेज अचीव्स अ स्पेशल रोल इन एवरी कंट्री, जब एक लैंग्वेज अचीव करती है स्पेशल रोल हर कंट्री में वो कहलाती है क्या, ग्लोबल लैंग्वेज। उसके बाद ये कि हाउ मेनी स्पीकर ऑफ इंग्लिश अराउंड द ग्लोब, तकरीबन कितने इंग्लिश बोलने वाले जो है मौजूद हैं पूरी दुनिया में, तकरीबन 1.5 बिलियन, यानी तकरीबन 1.5 अरब। उसके बाद ये कि अ लैंग्वेज वेयर इट हैज़ नो रोल आउटसाइड द क्लास, एक लैंग्वेज जिसका कोई रोल नहीं होता आउटसाइड द क्लास, नो फंक्शनल रोल और ना कोई फंक्शनल रोल वगैरह जैसे, वो कहलाती है क्या, फॉरेन लैंग्वेज। उसके बाद ये कि इनर सर्कल, आउटसाइड सर्कल एंड एक्सपेंडिंग सर्कल प्रेजेंट बाय, ये तीनों सर्कल जो है वो प्रेजेंट किए इनको किसने, कैचरू ने। उसके बाद ये कि आ लैंग्वेज वेयर इंग्लिश इज़ यूज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज लाइक पाकिस्तान, अ लैंग्वेज वेयर इंग्लिश इज़ यूज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, फिलिपिन आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं, ये तमाम कंट्रीज जो है वो क्या कहलाते हैं, जहाँ पर इंग्लिश जो है वो यूज़ की जा रही है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, ये कहलाते हैं आउटर सर्कल कंट्रीज। उसके बाद ये कि इनर सर्कल कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज़ यूज एज अ नेटिव और फर्स्ट लैंग्वेज आर, और इनर सर्कल कंट्रीज जहाँ पे इंग्लिश को यूज़ किया जा रहा है नेटिव के तौर पर एज अ नेटिव लैंग्वेज या फिर फर्स्ट लेवल फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर, इनके जो पहली जबान है उसके तौर पर, वो
कौन से कंट्रीज है, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये देयर आर कॉलोनलाइज कंट्रीज एक्सेप्ट, ये तमाम जितने भी नाम हैं कंट्रीज के कॉलोनलाइज कंट्रीज हैं सिवाय एक को छोड़ के, वो है यूके, बाकी है इंडिया, कीनिया और सिंगापुर। उसके बाद ये कि इंग्लिश ब्राउट टू ब्रिटेन बाय सेटलर्स लाइक ज्यूट, सैक्सन एंड इंगल्स, यानी कि इंग्लिश को ब्रिटेन के अंदर लाने वाले जो है वो सेटलर्स थे, ज्यूट्स, एंगल्स और सैक्सन, ये ट्राइब थे, कबाइल थे, जर्मेनिक कबाइल थे ये। सो ये कब लेकर आए इंग्लिश को ब्रिटेन के अंदर, 1449 के अंदर, उससे पहले इंग्लिश नहीं थी ब्रिटेन के अंदर। उसके बाद ये ससेक्स वाज द किंगडम ऑफ डैश सेक्सन, ससेक्स जो है वो किंगडम थी कौन से सेक्सन की, यानी कि इसका जो रीजन था वो कौन सा था, साउथ का था, साउथ सेक्शन। उसके बाद इन्फ्लेक्शंस बिगिन टू ड्रॉप आउट और कंप्लीटली डिसअपेयर ड्यूरिंग द पीरियड, इन्फ्लेक्शन जो है वो ड्रॉप आउट हुआ या फिर कंप्लीटली डिसअपेयर्ड हो गया कौन से पीरियड के दरमियान, मिडिल इंग्लिश। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।